हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का बिहार नमन जीएस में। साथियों, बिहार नमन जीएस के द्वारा 67वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के लिए फिर से टेस्ट सीरीज का आयोजन कराया जा रहा है, जिसके संदर्भ में यह पहला टेस्ट दिनांक 27/7/2022 को हुआ था। तो अब हम लोग जो टेस्ट सीरीज करा रहे हैं, बिहार नमन जीएस के द्वारा जो टेस्ट सीरीज कराया जा रहा है, उसके क्वेश्चन जो फॉर्मेट होते हैं वो बिल्कुल बीपीएससी जैसा। जैसे कि देखो, बीपीएससी में क्या है कि वो भी आपको आगे फॉर्मेट देते हैं, ऐसे आगे क्या है कि कुछ इंस्ट्रक्शन लिखे गए हुए हैं जिन्हें हर बच्चों को अच्छे से बारीकी से पढ़ना है। जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं वो यहाँ के इंस्ट्रक्शन को पढ़ेंगे, जो हिंदी वाले बच्चे हैं वो उसके जस्ट पीछे हिंदी में इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है उसको पढ़ करके अपना क्वेश्चन पेपर देना शुरू करेंगे। अब क्या है कि ये बीपीएससी का जो पेपर है, जो टेस्ट सीरीज का पेपर है, वो आपको सील मिलता है, बच्चों को जो सील पेपर मिलता है आपके पास। जब ये पेपर जाएगा तो आपको जो फॉर्म मिलता है, फॉर्म केवल ये बुकलेट भरने के लिए ये पेपर पहले दे दिया जाता है। अब क्या है कि जब आप इस पेपर को सॉल्व करेंगे तो उसमें देखेंगे पहले हमको सील को खोलना होता है। तो चलो देखते हैं कि ये सील खोलने के बाद पेपर का फॉर्मेट कैसा है। देखें कि हमने इस पेपर क्वेश्चन पेपर का सील ओपन कर दिया है। अब देखें क्या कि इस क्वेश्चन को हम अगर राउंड करके देखते हैं तो यह देखते हैं कि मेरे पास ऐसा फॉर्मेट आता है क्वेश्चन का, यानी एक पेज में आपके राइट हैंड साइड में हिंदी मीडियम में पेपर दिया हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड में आपके सारे के पेपर इंग्लिश मीडियम में दिए गए हुए हैं, और चार चार का कॉलम लिया गया है ताकि बच्चों को बेहतर तरीके से दिखाई दे, स्पष्ट दिखाई दे। आप इसको देख सकते हैं, मैं आपको नजदीक से दिखा देता हूँ। ये देखिए, जो भी क्वेश्चन पेपर है वो हिंदी में यहाँ क्वेश्चन दिया है, और चार ऑप्शन जो है वो बिल्कुल एक दूसरे के रो में दिया गया हुआ है। जैसे ए बी सी डी ऐसे देंगे तो ये दिखने में बीपीएससी जैसा नहीं लगता है, और बच्चों को देने पेपर देने में वो फ्री नहीं होते हैं बीपीएससी का पेपर दे रहे हैं। यहाँ पर भी क्या है कि नीचे वाले फॉर्मेट में भी सेम वही चीज़ दिया गया हुआ है। अब क्या है कि अभी ये क्वेश्चन जो है वो करंट अफेयर का क्वेश्चन था, जो वॉल्यूम 1 था, यहाँ देख सकते हैं करंट अफेयर वॉल्यूम 1। तो अब हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन के हर क्वेश्चन के आंसर को देखेंगे कि इसका क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जो बीपीएससी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए इसके हम डिस्कशन को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि किस शहर में मल्टी लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण किया जा रहा है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी आसाम के सिलचर में मल्टी लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण किया जा रहा है। दूसरा प्रश्न है कि विश्व की सबसे पुरानी गुफा चित्रों की खोज डैश से की गई। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, इंडोनेशिया। अभी हाल ही में आर्कियोलॉजिस्ट ने क्या किया है कि 45,500 साल पुराने गुफा चित्र की खोज अभी आपके इंडोनेशिया के जंगलों में किया है। हमारा तीसरा प्रश्न है, बिंदु सागर स्वच्छता परियोजना कहाँ शुरू की गई है। इसका सही जवाब है उड़ीसा में। उड़ीसा का एक शहर है भुवनेश्वर, उसी भुवनेश्वर में यह बिंदु सागर स्वच्छता परियोजना शुरू किया गया है। बेसिकली यह क्या है कि स्वच्छता प्रोग्राम है जिसमें कि प्रत्येक शहर को स्वच्छ किया जाएगा। चौथा प्रश्न है कि वन डिस्ट्रिक्ट वन क्राफ्ट अभियान कहाँ शुरू हुआ है। इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार का काफी महत्वाकांक्षी योजना है वन डिस्ट्रिक्ट वन क्राफ्ट। प्रश्न संख्या 5 है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किया है। यह काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पाकिस्तान। यहाँ ध्यान रखिएगा कि भारत और पाकिस्तान सरकार के बीच में दोनों ने न्यूक्लियर पावर प्लांट के विषय में यह समझौता हुआ है कि आपके देश में पावर प्लांट की स्थिति कहाँ है और भारत देश में पावर प्लांट की स्थिति कहाँ पे है, इन दोनों में एग्रीमेंट हुआ है। और साथ साथ में यह भी समझौता हुआ कि ना तो भारत पाकिस्तान पर हमला करेगा परमाणु जहाँ उनका प्लांट है वहाँ, ना तो पाकिस्तान भारत के परमाणु प्लांट के जगह पे हमला करेगा। ये एग्रीमेंट हुआ है भारत और पाकिस्तान के बीच में। अच्छा, छठा प्रश्न है कि पहली एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में किस देश ने सर्वाधिक बजट पदक जीता है। इसका सही जवाब है भारत। आप देखेंगे पदक अगर पदक तालिका का, यानी एशियाई शूटिंग पैरा शूटिंग चैंपियनशिप में भारत ने कुल 11 पदक जीता है, और भारत की तरफ से इस एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में 24 सदस्य भाग लिए थे, और इन्होंने क्या किया है 11 पदक जीता है, जिसमें कि क्या है कि 4 पदक जो हैं वह 4 पदक है गोल्ड, 4 पदक इन्होंने जीता है गोल्ड। उसके बाद की 2 पदक जीता है वो 2 पदक है सिल्वर, और बाकी के जो 5 पदक है वो 5 पदक जीता है ब्रॉन्ज, यानी टोटल 4, 2, 6, 5, 11 पदक है। ये काफी ध्यान रखेंगे, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि खबरों में लखवार बिजली परियोजना किस नदी पर बना। इसका सही जवाब है लखवार बिजली परियोजना यमुना नदी पर बना है। उत्तराखंड का एक शहर है देहरादून, इसी देहरादून में यमुना नदी के पर ये लखवार बिजली परियोजना बना है, और इससे क्या है कि इससे 300 मेगावाट की बिजली उत्पन्न की जा रही है। आठवां प्रश्न है कि भारत में ब्रॉडगेज के 100% विद्युतीकरण के लिए क्या लक्ष्य रखा गया है। इसका सही जवाब देखेंगे तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी भारतीय रेलवे ने वर्ष 2023 तक का लक्ष्य रखा है कि मेरे पास जितने भी रेलवे लाइन्स हैं फुल रेलवे लाइन्स को हम क्या करें 100% इलेक्ट्रीफाइड कर दें।
प्रश्न संख्या 9 है कि विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी किसके द्वारा की गई? तो इसका सही जवाब है भारत के द्वारा। प्रश्न संख्या 10 है कि हाल ही में किस राज्य ने वार ऑन ड्रग्स कैंपेन शुरू किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी मणिपुर। मणिपुर सरकार ने वार ऑन ड्रग्स कैंपेन शुरू किया है। प्रश्न संख्या 11 है कि कौन सा राज्य जेंडर बजट अवधारणा लाने वाला पहला राज्य बन गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी इनमें से कोई भी राज्य नहीं है। इसका सही जवाब होगा आंध्र प्रदेश। यहाँ ध्यान रखिएगा कि आंध्र प्रदेश भारत का पहला ऐसा राज्य है जिसने अलग से जेंडर बजट अवधारणा को क्या किया है, लॉन्च किया है। आंध्र प्रदेश एक पहला ऐसा राज्य है ना कि जिन्होंने जो अभी हम लोग देखते हैं मिड डे मील MDM देखते हैं, तो MDM जो देन देन है मिड डे मील का जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट भी आंध्र प्रदेश राज्य से ही निकल के आया है। प्रश्न संख्या 12 है कि विश्व का पहला प्लेटिपस अभयारण्य कहाँ बनाया जा रहा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में पूरे विश्व में अभी तरह का एक पहला अभयारण्य होगा जो किसके लिए, प्लेटिपस के लिए बना है। प्रश्न संख्या 13 है कि इंडिया कम्स फर्स्ट किसने लिखा है? इंडिया कम्स फर्स्ट, इसका सही जवाब है राम माधव। यहाँ देखेंगे राम माधव जो है वह राम माधव बीजेपी के नेता है और इन्होंने 2008 से लेकर के 2020 तक यानी टोटल 12 वर्षों तक विभिन्न प्रकार के विषयों पर निबंध लिखा है। तो इन्हीं निबंध का एक संग्रह है जिसका नाम है इंडिया कम्स फर्स्ट। इस प्रकार जो इंडिया कम्स फर्स्ट के लेखक कौन हो गए, हमारे राम माधव। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14 प्रश्न है कि व्हाइट वाटर राफ्टिंग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, जम्मू और कश्मीर। यह जो व्हाइट वाटर राफ्टिंग महोत्सव जो है जम्मू कश्मीर के चेनाब नदी पर, जो चेनाब नदी हम लोग देखते हैं उस चेनाब नदी में किया गया। प्रश्न संख्या 15 है कि भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र कहाँ खोला गया है? तो इसका सही जवाब है रानीखेत। रानीखेत में भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र खोला गया है। प्रश्न संख्या 16 है कि हाल में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में प्रवेश करने वाले भारत पन्नु का संबंध किससे है? तो इसका सही जवाब है कि भारत पन्नु वो क्या है, साइकिल चलाने में एक साइकिलिस्ट है। और जान के आपको आश्चर्य होगा कि भारत पन्नु जो क्या है इंडियन आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर तैनात हैं और उनका सब कर्नल पद पर तैनात हैं। और इन्होंने क्या किया है कि गुजरात से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक का जो 3800 किलोमीटर का डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को इन्होंने साइकिल से कवर किया है और ये इनका तीसरा वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड है। इससे पहले भी भारत पन्नू साहब ने दो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए थे जिनका गिनीज वर्ल्ड गिनीज बुक वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज है। प्रश्न संख्या 17 है कि कौन सा देश टोक्यो ओलंपिक 2021 से हटने वाला पहला देश बना है? इसका सही जवाब है उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया ने COVID-19 के भय से अपने खिलाड़ियों को क्या किया है, इस खेल में जाने से रोका है, या यूं कहें कि इस टोक्यो ओलंपिक 2021 में अपनी प्रतिभागिता केवल COVID-19 कारण के से पीछे ले लिया, तो ये हटने वाला पहला देश बन गया है। अब हमारा दूसरा प्रश्न है प्रश्न संख्या 18 है, यह प्रश्न है कि दो हरित ऊर्जा दक्ष शहर वाला भारत का पहला राज्य कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर बिहार यूपीएससी के बच्चे हैं तो देखेंगे। हमारा इसका सही जवाब है बिहार। बिहार में जो है वह दो हरित ऊर्जा शहर बना है, पहला शहर है हमारा राजगीर और दूसरा शहर है हमारा बोधगया। इस प्रकार क्या हुआ कि बिहार में भारत का पहला राज्य है कि जो दो हरित ऊर्जा दक्ष शहर बना हुआ है ग्रीन एनर्जी वाला। प्रश्न संख्या 19 है कि WEF यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर है? इसका सही जवाब है आइसलैंड। आइसलैंड क्या है कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2021 में सबसे टॉप स्थान पर है। प्रश्न संख्या 20 है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब है प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। इस बार भी 7 अप्रैल 2022 को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया है।
प्रश्न संख्या 21 है कि जीवन के लिए मित्र ऐप किसने लॉन्च किया है। उसका सही जवाब है सीबीएसई, तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी स्कूल है सीबीएसई। इन्होंने क्या किया है कि जीवन के लिए मित्र ऐप लॉन्च किया है, और यह ऐप क्या करता है, स्टूडेंट्स और उनके जो पेरेंट्स होते हैं उन दोनों के लिए यह समान रूप से उपयोगी है। बेसिकली क्या है कि यह ऐप जो है बच्चों और उनके पेरेंट्स का साइकोलॉजिकल काउंसलिंग करता है, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22 है कि भारत के 68वें ग्रैंड मास्टर कौन बने। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अर्जुन कल्याण। अर्जुन कल्याण गोवा के रहने वाले हैं और ये क्या है 68वें ग्रैंड मास्टर बने हैं हमारे भारत के। प्रश्न संख्या 23 है, हाल ही में 100 मिलियन वर्ष पुराने सारोपोड डायनासोर के जीवाश्म कहाँ मिले हैं भारत में। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मेघालय में खासी पहाड़ है, काफी प्रसिद्ध पहाड़ है, जानते होंगे सब लोग। तो खासी पहाड़ के पश्चिमी हिस्से में सारोपोड एक डायनासोर की प्रजाति है, उसी का क्या मिला है, जीवाश्म मिला है, काफी न्यूज में था ये, इसीलिए इस प्रश्न को पूछा गया है। प्रश्न संख्या 24 है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश सिंगल क्रिस्टल ब्लेड तकनीक विकसित करने में अक्षम है, यानी सिंगल क्रिस्टल ब्लेड जो है इसका यूज किया जाता है हेलीकॉप्टर के ब्लेड जो पंखा होता है उसको बनाने में। इसका सही जवाब है चीन, चीन के पास में नहीं है, बाकी भारत फ्रांस और रशिया के पास में ये है। प्रश्न संख्या 25 है कि किस देश ने जानवरों के लिए पहला कोविड वैक्सीन विकसित किया है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, रशिया विश्व का पहला ऐसा देश है जिसने अपने जानवरों के लिए क्या किया है, कोविड टीका का विकास किया है। 26वां प्रश्न है कि कोरसेरा की वैश्विक कौशल रिपोर्ट 2021 में भारत का स्थान क्या है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 67वां। कोरसेरा क्या है कि कोरसेरा स्विट्जरलैंड की एक कंपनी है जो क्या करता है, पूरे विश्व स्तर पर वैश्विक कौशल रिपोर्ट प्रकाशित करता है स्विट्जरलैंड। प्रश्न संख्या 27 है कि कौन सा राज्य सरकार अथवा केंद्र शासित प्रदेश ने जहां वोट वहां टीकाकरण अभियान शुरू किया है। इसका सही जवाब है दिल्ली सरकार, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक स्कीम शुरू किया है कि जहां वोट वहां टीकाकरण। प्रश्न संख्या 28 है कि इंडस वेस्ट फूड पार्क का हाल ही में उद्घाटन कहाँ किया गया है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ के रायपुर में, उसकी राजधानी भी है, तो रायपुर में इंडस वेस्ट फूड पार्क का आयोजन उद्घाटन किया गया है। प्रश्न संख्या 29 है कि निम्नलिखित में से कौन इसरो द्वारा विकसित एक प्रकार का वेंटिलेटर नहीं है। यहाँ देखेंगे कि कोविड-19 के समय में इसरो ने क्या किया था, तीन प्रकार के वेंटिलेटर विकसित किया था, उसका नाम था प्राण, वायु और स्वस्थ, है ना, और इसमें क्या है, सांस नहीं था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सांस। इसमें कहा गया ना कि निम्नलिखित में से कौन इसरो द्वारा विकसित एक प्रकार का वेंटिलेटर नहीं है, तो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी सांस। प्रश्न संख्या 30 है कि किस देश ने ओपन स्काई ट्रीटी में फिर से शामिल होने का फैसला किया है। तो इसका सही जवाब है संयुक्त राज्य अमेरिका। कुछ साल पहले ही संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए क्या हुआ था, ओपन स्काई ट्रीटी से अलग हो गया था, लेकिन अब फिर उन्होंने ओपन स्काई ट्रीटी का पार्ट होने पे जरूरत समझा, तो उन्होंने क्या किया है, फिर तो ओपन स्काई ट्रीटी का एक हिस्सा बन गया। प्रश्न संख्या 31 है कि खादी नेचुरल पेंट के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने। इसका सही जवाब है नितिन गडकरी, नितिन गडकरी को खादी नेचुरल पेंट के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। प्रश्न संख्या 32 है कि अमेजन का पहला डिजिटल केंद्र स्थापित किया जा रहा है। इसका सही जवाब है गुजरात के सूरत शहर में, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, सूरत। प्रश्न संख्या 33 है कि टोक्यो ओलंपिक में भारतीय दल के ध्वजवाहक के रूप में किसे चुना गया था। तो सभी को जानकारी है कि दो व्यक्ति थे, उसमें पहला था मैरी कॉम और दूसरा क्या नाम था, मनप्रीत सिंह।
तो क्या है कि इसमें से दो व्यक्ति है मैरी कॉम मनप्रीत सिंह, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक, यानी हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। प्रश्न संख्या 34 है कि वृक्ष शिक्षा मंत्री, यहाँ ध्यान देंगे शिक्षा मंत्रियों की बैठक हुई थी, वृक्ष शिक्षा मंत्री की वर्चुअल बैठक का आयोजन किसके द्वारा किया गया था। इसका सही जवाब है वृक्ष में भारत के द्वारा, वृक्ष के जितने भी शिक्षा मंत्री हैं वृक्ष में कौन कौन से देखेंगे, BRICS, बी फॉर ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। तो इनमें से क्या है कि भारत ने इसका क्या किया है, शिक्षा मंत्रियों का वर्चुअल बैठक का अध्यक्षता किया है। प्रश्न संख्या 35 है कि हाल ही में भारत में अमेरिकी राजदूत कौन बने हैं। तो हाल ही भारत में अमेरिकी यानी भारत देश में अमेरिका के राजदूत का क्या नाम है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ई। यानी अतुल कश्यप, हर्षवर्धन श्रृंगला, अजय विसारिया, मनप्रीत पर देख सकते हैं कि सारा नाम कैसा है, ये हमारे भारतीय नाम है, तो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ई। तो अब है कौन, इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर 35 का कि इरिक, इरिक माइकल गारसेट्टी, गारसेट्टी। प्रश्न संख्या 36 है कि 25वीं महालेखा नियंत्रक, यहाँ ध्यान देंगे महालेखा नियंत्रक यानी कंट्रोलर अकाउंट, यहाँ कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट के पद पूछा जा रहा है, ना कि कंट्रोलर ऑफ ऑडिटर जनरल पूछा जा रहा है, तो अंतर होगा इसमें, कंफ्यूज नहीं करेंगे आप लोग। 25वीं महालेखा नियंत्रक के रूप में किसे नियुक्त किया गया, उसका सही जवाब है दीपक दास। प्रश्न संख्या 37 है कि बच्चों के लिए एक स्वस्थ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाने के लिए यूनिसेफ ने किस प्लेटफॉर्म के साथ करार किया है, तो यहाँ देखें इसका सही जवाब है फेसबुक, यानी यूनिसेफ ने और फेसबुक ने एक एग्रीमेंट किया है जो बच्चों के हेल्थ के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को डेवलप करेगा। अब क्या है कि अगले प्रश्न है कि स्वर्गीय कृष्ण जी राव किसी से संबंधित थे, उसका सही जवाब है स्वर्गीय कृष्ण जी राव भारत के फुटबॉलर थे और बाद में भारत के कोच भी बने फुटबॉल टीम के, अभी हाल ही में इनका निधन हुआ था इसीलिए इनको सिराज किया गया। प्रश्न संख्या 39 है, नागरिकों को स्वच्छ पानी की जानकारी देने के लिए पानी माह शुरू किया गया था, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी लद्दाख, यानी भारत के लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में सभी नागरिकों को स्वच्छ पानी उपलब्ध हो और उसकी कहाँ उपलब्ध हो रहा है, कैसे उपलब्ध हो रही जानकारी देने के लिए पानी माह शुरू किया गया है। प्रश्न संख्या 40 है, 40 है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को खाद्य तेल उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए कितने रुपए के निवेश की घोषणा की है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 11,000 करोड़। आप सभी को पता है कि खाद्य तेल जैसे कि सरसों का तेल हो गया या किसी और प्रकार का जो तेल से हम जैसे कि आम आदमी घर का खाना बनाते हैं, और तेल का तो महंगाई बहुत ज़्यादा हो गया है, तो भारत में ही इस खाद्यान्न खाद्य तेल का उत्पादन हो इसके लिए क्या किया है, उन्होंने 11,000 करोड़ रुपीज का इन्वेस्टमेंट करने का अनाउंसमेंट किया है हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। प्रश्न संख्या 41 है कि भारत का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र स्थापित किया गया है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए भागलपुर, बिहार के भागलपुर जिला में भारत का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र स्थापित किया गया है। ऑप्शन नंबर सॉरी क्वेश्चन नंबर 42 है, मीनू सोरेन संबंधित है, मीनू सोरेन किससे संबंधित है, तो इसका सही जवाब है मीनू सोरेन भालाबीन से संबंधित है। प्रश्न संख्या 43 है कि भावना कंठ जो गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने वाली पहली महिला फाइटर पायलट बनी है, बिहार के किस जिले से संबंधित है, इसका सही जवाब है कि भावना कंठ बिहार की दरभंगा जिले से संबंधित है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्नलिखित में से कौन बिहार विधानसभा में महिला कैबिनेट सदस्य बनी, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 45 है कि बिहार पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, इसका सही जवाब सॉरी विश्व बिहार पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी
प्रत्येक वर्ष 9 अगस्त को बिहार सरकार के द्वारा बिहार में बिहार पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 46 प्रश्न है कि भारत के पहले डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बिहार के पटना शहर में गंगा नदी में। क्या किया गया है कि भारत के पहले डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का स्थापना किया गया। बेसिकली क्या है कि डॉल्फिन अनुसंधान क्या कि डॉल्फिनों की जो संख्या गंगा नदी में कम हो रही है उसको क्या बढ़ाना है, या डॉल्फिन को एक अनुकूल जलवायु परिवेश उपलब्ध करवाना ताकि वो लंबे समय तक हमारे इकोसिस्टम में उपस्थित रह पाए। प्रश्न संख्या 46 है कि बिहार से कितने सांसद मंत्री हैं? तो इसका सही जवाब है 6, यानी बिहार के 6 ऐसे सांसद हैं जो क्या है बिहार केंद्र सरकार में मंत्री के पद पर काम अपनी सेवा दे रहे हैं। प्रश्न संख्या 48 है कि विश्व सूफी सम्मेलन 2021 कहाँ आयोजित किया गया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, गया। गया में क्या किया गया था कि विश्व का सूफी सम्मेलन 2021 का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। प्रश्न संख्या 49 है कि स्वर्गीय माइकल कोनो किस खेल से संबंधित थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, हॉकी, यानी स्वर्गीय माइकल कोनो क्या थे कि हॉकी खेल से संबंधित थे। इनको 1972 ईस्वी में भारत सरकार के द्वारा अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इनका भी हाल ही में निधन हो गया था, इसीलिए ये प्रश्न पूछा गया था। प्रश्न संख्या 5 है कि बिहार के किन जिलों में आयुर्वेदिक कॉलेज स्थित है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ई, यानी एक से अधिक। देखेंगे यहाँ पे अगर आपको जानकारी होगी तो हमारे बिहार में टोटल 5 आयुर्वेदिक कॉलेज स्थित हैं, जिसमें से क्या है कि 2 आयुर्वेदिक कॉलेज तो हमारे पटना जिले में स्थित हैं, 1 आयुर्वेदिक कॉलेज हमारे भागलपुर जिले में स्थित हैं, 1 आयुर्वेदिक कॉलेज हमारे बिहार के बेगूसराय जिले में स्थित है, और 1 आयुर्वेदिक कॉलेज हमारे बिहार के दरभंगा कॉलेज में स्थित है। इस प्रकार कितने हो गए, 2, 3, 1, 5 ऑप्शन देखते हैं क्या, भागलपुर भी है, दरभंगा भी है, तो यहाँ एक से अधिक ऑप्शन हो रहे हैं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो मित्रों ये था हमारा टेस्ट नंबर फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर वन से लेकर के 50 तक का। तो अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, 51 से लेकर के 100 तक के प्रश्न को देखेंगे। तब तक के लिए आप इस प्रश्न को रिवीजन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।